सबिया की कॉल आई थी, खैरियत मालूम करनी थी, और बाद में उन्होंने सैरिश के लिए रिश्ता भी बताया है। अपनी फैमिली में से? नहीं नहीं आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है, बहुत रिच फैमिली है, उन्हें एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की चाहिए, तो आरिफ ने इसलिए सबिया से जिक्र किया था कि वो सैरिश की बात करें। वासर बेगम, तुम अपनी बेटी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो, तुम्हें पता है कि उसे कहाँ कोई समझ आता है। क्या मतलब है फैजान, आपने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना? और वैसे भी मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे, बाहर रहता है, अपना बिजनेस है, अच्छा है, शादी करके बीवी को साथ ही रखेगा, सेटल एक फैमिली होगी इन लोगों की, यहाँ उसका ससुराल में सेटल होना बहुत मुश्किल है। सब कुछ आप खुद ही सोचती रहेंगी या इस सिलसिले में सैरिश से कोई बात भी करेंगी? करूंगी बात जब उसका मूड अच्छा होगा। देखो, अल्लाह करे कि बात उसकी समझ में आ जाए, मान जाए वो। हाँ वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है, अल्लाह करे उसके हक में भी बेहतर हो। चाय पियेंगे आप? हाँ बनवाइए। सैरिश बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये मामा तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है। प्रपोजल मेरे लिए? तो बेटा घर में तो और कोई लड़की नहीं है जिसके लिए प्रपोजल आएगा, और भी रिश्ते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये रिश्ता ज्यादा अच्छा लगा है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम सेलेक्ट कर सकती हो। मम्मी प्लीज, अभी मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना, अभी मैंने अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फिर सोचूंगी। वो तो ठीक है, मगर बेटा मैं फोर्स नहीं करूंगी, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। सोचूंगी, जरूर सोचूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं। ठीक है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचो। लड़का स्पेन में है, अपनी फैमिली को भी वहीं सेटल करेगा, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। वैसे आपको इस रिश्ते के बारे में बताया किसने? वो रूमी की वालदा ने बताया था, आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है। बेटा एक बार जरूर सोच लो इस रिश्ते के बारे में। उनकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उनको।